डैंड्रफ इज गॉन, कैन यू सी एनी फ्लेकीनेस, कैन यू सी एनी ड्राइनेस. मतलब इसको लगाया और मेरा सारा जो भी डैंड्रफ फ्लेकीनेस थी ना वो सब चली गई. हाय गाइस, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. जो भी लोग मुझे रिसेंटली फॉलो किया है, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर, वो सब सोचेंगे मैं कहाँ बैठी हूँ. सो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे घर का स्टूडियो रूम है जहाँ पर मैंने सारी अपनी वीडियोज पहले की शूट करी हैं. दिस रूम इज़ वेरी स्पेशल टू मी. मतलब मेरी जो मेजर यूट्यूब की ग्रोथ हुई है ना, आई थिंक वो इस रूम की वजह से हुई है. जो नए आए हैं अपने चैनल पर, मैं बता देती हूँ कि ये मेरे अपना घर है, दिस इज़ माई मॉमी लैंड. मैं अपने मायके आई हूँ और एक दो दिन से मैंने काफ़ी सारी डीक्लटरिंग करी है, बिकॉज मेरा बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था. काफ़ी चीज़ें तो एक्सपायर हो गई थी, पुरानी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें मेल्ट हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत टाइम तक कुछ रखा रहता है तो ख़राब भी हो जाता है. बट मुझे काफ़ी सारी एम्प्टीज भी मिले हैं, लिटरली आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ एम्प्टीज. मुझे लगा एक और प्रोडक्ट एम्प्टीज वीडियो बना लेते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अच्छे से खत्म कर दिए हैं, सो आई कैन टेल यू ये अच्छे हैं या फिर नहीं अच्छे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो. उससे पहले आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, लाइक करना है. ऑल्सो रियली सॉरी फॉर सच बैड कैमरा एंगल, बिकॉज यहाँ पर अब मेरे पास ना रिंग लाइट है ना ट्राईपॉड है, मैं ट्यूबलाइट के सामने बैठी हूँ, बिकॉज यहाँ पर अब मेरा वो सेटअप नहीं है. सारा सेटअप मेरा ससुराल चला गया है. बट या हम कॉन्टेंट पर फोकस करेंगे. सो या लेट्स. प्रोडक्ट नंबर वन इज फ्रॉम अवीनो. यह अवीनो का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्लिनिकली प्रूवन टू रिलीव ड्राई स्किन, मॉइस्चराइजर फॉर 24 आवर्स, फ्रेग्रेंस फ्री. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड यू कैन सी मैंने काफ़ी अच्छे से इसको निचोड़ा हुआ है. ये मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में यूज़ करी थी. बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा मॉइस्चराइजर है, जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है विंटर्स में, जैसे मेरी स्किन है. मेरी स्किन पूरी गर्मियों में इतनी ऑयली ग्रीसी रहती है, लेकिन जैसी विंटर्स आती है मेरी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है. नोज़ मेरी बहुत ड्राई हो जाती है, पील्स निकलते हैं, या फिर काफ़ी बार क्या होता है जब हम एक्ने ट्रीटमेंट्स कराते हैं ना, लाइक डर्मैट ने कहा एडाप्टिन लगा लो, कोई जेल लगा लो, वो लगाया फिर ऐसे स्किन सूखी सूखी हो जाती है. तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, अदरवाइज जब आप मेकअप करोगे ना तो वो अजीब सा क्रैक होगा, पील्स निकलेंगी. तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. दिस इज अफोर्डेबल, फ्रेग्रेंस फ्री है, सूट्स माई स्किन टाइप एंड दिस डजंट मेक माई स्किन ग्रीसी. जो सबसे बेस्ट बात इसकी है, इनफैक्ट आप इसको समर्स में भी यूज कर सकते हो. ये नरिशमेंट देता है लेकिन स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं कराता. सो आई वॉन्ट से दिस इज जस्ट फॉर ड्राई स्किन टाइप पीपल, ऑयली स्किन वाले भी इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जब आप मैट फाउंडेशन लगाओगे ना वो बहुत अच्छे से बैठेगा और बहुत फ्लॉलेस आपकी स्किन लगती है. सो या इट्स अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट अप इज अ सनस्क्रीन. जो रिसेंटली जो मैंने अभी प्रोडक्ट एम्प्टीज डाला है उसमें भी आपको दिखाई थी, वो जो पैकेजिंग थी वो लेटेस्ट पैकेजिंग है जो क्योर्स की आ रही है. दिस इज द ओल्डर पैकेजिंग, पहले क्योर्स की ये वाली पैकेजिंग आती थी. दिस इज द क्योर्स SPF 50 UVA UVB मैटिफाइंग सनस्क्रीन, फ्री ऑफ ऑक्सीमेंजोन एंड OMC. सेम वही है, फॉर्मुलेशन भी बिल्कुल वही है. ओके, तो मैंने काफ़ी गंदी तरह यूज़ करी है. कैन यू सी, सनस्क्रीन मैं बहुत भर के लगाती हूँ, जब जल्दी जल्दी में लगाती हूँ तो ऐसा मैस हो जाता है. और ये लिटरली मैं अब एक साल बाद ये ट्यूब को खोल रही हूँ, ऐसा फील आ रहा है जैसे पता नहीं मैंने हवेलियों से कहीं प्रोडक्ट्स निकाल निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही रखे हुए थे, इतने टाइम से मैंने देखा भी नहीं. सो अब फाइनली मुझे पता चल गया मैं इनको थ्रो कर सकती हूँ. सो दिस इज अ वेरी नाइस सनस्क्रीन. मेरा कोड वर्क करता है. लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी उस पर काफ़ी लोग कह रहे हैं आपका कोड नहीं वर्क कर रहा. मैंने ब्रांड को कॉन्टैक्ट किया, नाउ माई कोड इज़ वर्किंग अगेन, सो यू कैन यूज़ एंड नॉट स्पॉन्सर्ड. कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट अ वे ऑफ अर्निंग. थोड़ा बहुत मैं भी कमीशन अर्न कर लेती हूँ, बिकॉज आई हैव एफिलिएट कोड्स विद ब्रांड्स. तो अगर मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रही हूँ, द लीस्ट यू कैन डू इज यूज माई कोड. नेक्स्ट अप इज बाय नेचुरली. ये नेचुरली का डेली स्ट्रेंथ एंड नरिश शैम्पू. दिस इज अ वेरी नाइस शैम्पू. ये लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन आई थी. बहुत अच्छा शैम्पू है. मैंने इनका शैम्पू कंडीशनर प्रमोट किया था, एक डेडिकेटेड वीडियो करी थी आई गेस. कंडीशनर इसका अभी तक नीचे रखा है मेरे पास, बिकॉज कंडीशनर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन शैम्पू ये मैंने कम्प्लीटली खत्म कर दिया है. मैंने परसों ही अपना हेयर वॉश किया यहाँ पे और मैंने इसमें पानी डाल डाल के पूरा इसको यूज़ कर लिया है. वेरी वेरी नाइस. दिस इज नरिशिंग, इसका नाम भी एयर एंड डेली स्ट्रेंथ एंड नरिश. तो ये नरिश करता है. अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है, या सूखे सूखे रहते हैं, या फिर फ्लेकीनेस बहुत ज़्यादा है. काफ़ी बार विंटर्स में क्या होता है, ऐसे फ्लेकीनेस होती है, मतलब ऐसे स्क्रैच करोगे ऐसे डैंड्रफ निकलेगा भर भर के. तो उस केस में अगर आपको ड्राइंग शैम्पू यूज़ कर लो ना, आपका स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई हो जाता है. सो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है. तो मैंने अभी सेकंड क्लेंजिंग इससे करी थी. मैं फर्स्ट क्लेंजिंग भी आपको दिखाती हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे ही रखा था स्मिटन का सैंपल. मैं स्मिटन से काफ़ी शॉपिंग करती हूँ. स्मिटन के ट्रायल पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे छोटी बॉटल्स आती है ना, ट्रैवलिंग के भी काम आती है. तो मैंने बहुत पहले स्मिटन से मंगाई थी. दिस इज़ बाय बी बॉडी वाइज. ये है बी बॉडी वाइज की 1% केटो कोनाजोल डैंड्रफ शैम्पू. मतलब ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है. दिस इज़ वेरी सिमिलर जो मेडिकेटेड वाले आते हैं, लाइक जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, वो एक केटोमैक आता है. इससे फर्स्ट क्लेंजिंग करी थी और ये थोड़ा सा क्रीपी लगता है, बिकॉज ये बिल्कुल लाल रंग का ऐसे शैम्पू है. इसमें से अब आई थिंक निकलेगा नहीं.
नहीं, बट इसके अंदर आप देख सकते हो पूरा ऐसे अंदर ना लाल लाल कलर का ये शैम्पू है। ऐसे पोर भी करो ना थोड़ी वो क्रीपी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ब्लड लगा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वेरी 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 नाइस, डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन इट। मेरा डैंड्रफ, मुझे फ़र्क पता चल रहा है, लाइक माई डैंड्रफ इज़ गॉन। कैन यू सी एनी फ्लेकीनेस, कैन यू सी एनी ड्राइनेस, मतलब इसको लगाया और मेरा सारा जो भी डैंड्रफ फ्लेकीनेस थी ना वो सब चली गई। सो इसकी तो फुल साइज बॉटल मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ। बी बॉडी वाइज अगर मिलती है कहीं, इस पर लिखा है रिलीव इचिंग, रिड्यूस विजिबल फ्लेकिंग, प्रिवेंट डैंड्रफ रीअकरेंस। सो ये स्पेसिफिकली डैंड्रफ पे वर्क करता है, सो ये तो परचेज जरूर करना। मैंने इससे परसों फर्स्ट क्लेंजिंग करी थी, पूरा इसको मैंने फिनिश कर दिया और इससे फिर सेकंड क्लेंजिंग करी, एंड यू कैन सी माई हेयर। मैंने इसी रेंज का ही कंडीशनर भी यूज़ किया था अपने हेयर लेंथ पर, एंड या माई हेयर आर नाइस। दिस इज माई नेचुरल हेयर बाय द वे, कोई ब्लो ड्राई नहीं करी हुई, कोई भी तरह का स्ट्रेटनिंग नहीं है, दिस इज माई नेचुरल शाइनी हेल्दी हेयर। नेक्स्ट अप इज अ बॉडी लोशन, दिस इज बाई डर्मा फीक, सेल बाय सेल ड्राई स्किन इंटेंस रीस्टोर बॉडी सीरम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी मैंने आई थिंक अमेजोन से परचेज किया था, इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे। सो ये 10x वाइटमिन बेनिफिट देता है, रिपेयर करता है स्किन बैरियर को, प्रिवेंट करता है कोलाजन ब्रेकडाउन। आई थिंक इसमें अभी थोड़ा सा है, बट ये बहुत टाइम से रखा है, पूरी बॉटल भी ऐसे डस्टी डस्टी हो गई है, या इसमें है थोड़ा सा। दिस इज अ वेरी नाइस लाइक लाइट मॉइस्चराइजर। काफी बार क्या होता है जो बॉडी मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना बड़े भारी भारी, लाइक एज इन बड़े थिक थिक फील होते हैं, ऐसा लगता है मेरे पोर्स क्लॉग हो गए, स्किन पे ऐसे लेयर बन गई है, बट दिस इज वेरी लाइट एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। इट हैज दैट नाइस प्लीजिंग वाली फ्रेग्रेंस, इज नॉट फ्रेग्रेंस फ्री, एंड या इट्स गुड, इट वर्क्स रियली वेल ऑन ड्राई स्किन। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंस्टा हाइप प्रोडक्ट, लोग पागल हैं इस प्रोडक्ट के पीछे, बट आई डोंट नो व्हाई ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करा। स्टार्टिंग में तो जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, मैं भी एक होता ना आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे हर कोई बात कर रहा है कोरियन ब्यूटी बेस्ट प्रोडक्ट, दिस मेड माई स्किन फ्लॉलेस, वेरी मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड। तो मैंने भी लगाया, मेरा भी एक दिमाग में होता है आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो तो आप लगाते हो, आपको लगता है हाँ यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बट नहीं, ओवर द टाइम आई रियलाइज कि इसकी वजह से मुझे कॉमेडॉन्स हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं। मे बी वहाँ के वेदर के हिसाब से सूट करता हो, बट दिल्ली के वेदर के हिसाब से मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिस इज द एडवांस नेल म्यूसिन बाय कॉसारेक्स, बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट है ये, काफ़ी लोग इसकी चर्चाएं करते हैं, अभी भी लोग इसके फैन हैं। और आप देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। सो मैंने इसको कैसे यूज़ किया था, मैं जब भी केमिकल पील करती थी ना, लाइक एच ए बी एच ए पील में पहले यूज़ करती थी फेस पर, उसको लगाया, थोड़ी देर बाद हटा दिया। सो उस टाइम स्किन ऐसे ड्राई ड्राई फील होती है, तो मैं इसको इंस्टेंटली एज एन एलोवेरा जेल लगाती थी और फिर वॉश ऑफ कर देती थी। बिकॉज अगर इस प्रोडक्ट को मैंने लगा कर रखा, ये ऐसे चिपचिपा हो जाता है, इसके ऊपर कुछ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ वो भी ऐसे चिपचिपा फील होता है, एंड फिर मेरी स्किन अजीब सी ग्रीसी ग्रीसी रहती है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती। एंड बिफोर यू से कि नकली भी हो सकता है, बिकॉज आजकल मार्केट में काफ़ी नकली भी आ रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट नकली, ये मैंने ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया था, सो ये डेफिनेटली 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बट दिस डिडंट सूट मी, मुझे कॉमेडॉन्स हो गए थे। मैंने खाली एक एक्ने प्रोन इन्फ्लुएंसर है उनका रिव्यू देखा था, उन्होंने भी यही बोला था कि दिस कैन गिव यू कॉमेडॉन्स, इससे आपको छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, बिकॉज ये ह्यूमेक्टेंट है कि इतना ज़्यादा आपकी लाइक स्किन को ओवर नरिश बना देता है ना कि आप और डस्ट अट्रैक्ट करते हो अपनी स्किन पर, तो या दिस डिडंट वर्क फॉर मी। नेक्स्ट अप इज अ सनस्क्रीन बाय बायोडर्मा, इनफैक्ट द ओनली सनस्क्रीन बाय बायोडर्मा विच इज मैट, जो बिल्कुल भी वो डूई और ऐसे ग्रीसी वाली फिनिश नहीं देती। दिस इज द फ्लूइड मैटिफेंट आई डोंट नो फोरोडर्म SPF 30, बिकॉज ज़्यादा चीज़ इसमें फ्रेंच में लिखी होती है, बायोडर्मा जो है वो फ्रांस की ब्रांड है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ्रेंच में भी लिखी होती है। दिस इज फ्लूइड मैटिफेंट प्रोटेक्शन हाई प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बना है, ये लिमिट करता है ब्लेमिशेस को, वाटर रेजिस्टेंट है, दिस इज फ्रेग्रेंस्ड, मतलब इसमें फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, या इसमें फ्रेग्रेंस है, एंड इनकी सारी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है नोजल वाली, एंड या दिस इज द ओनली मैट सनस्क्रीन। सो अगर आपको गर्मियों में लाइक जो भरी गर्मी होती है उस टाइम बायोडर्मा को सनस्क्रीन यूज़ करनी है, ट्राई दिस वन। अदरवाइज इनकी जो एक्वा फ्लूइड वाली आती है ना टिंटेड वाली, वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, वो आई थिंक सूट नहीं करने वाली, बट फॉर ऑयली एंड सुप्रीमली समर वेदर दिस इज अ वेरी नाइस सनस्क्रीन। ओके नेक्स्ट अप इज एन ऑयल क्लेंजर, दिस इज द डीप क्लेंजिंग ऑयल बाय DHC, मुझे नायका ने भेजा था, नायका ने मुझे इसका कॉम्बो भेजा था, ये छोटा सा क्लेंजिंग ऑयल और इसी साइज का एक पाउडर वाला इनका फेस वॉश आता है। दिस इज एक्सपेंसिव बट दिस इज वेरी वेरी गुड, यू कैन सी मैंने इसको पूरा यूज कर लिया, जो नीचे थोड़ा बहुत बचा ना है ये शादी के बाद वाला ही बचा हुआ है, शादी से पहले तो मैंने पूरा इसको यूज कर लिया था, वेरी नाइस क्लेंजिंग ऑयल। ओनली द पैकेजिंग इज स्लाइटली अनोइंग, मे बी ये छोटे वाले की ऐसी हो, बड़ी पैकेजिंग शायद अच्छी आती हो, बिकॉज आपको ऐसे डैप डैप करके निकालना होता है, बट इससे क्या प्रोडक्ट मेल्ट होता है इतने अच्छे से, जो भी फाउंडेशन जो भी वाटरप्रूफ मस्कारा है वो ब्यूटीफुली रिमूव होता है। इसका फेस वॉश मैंने किसी को ऐसे ही दे दिया था गिफ्ट में, वो मैंने यूज़ नहीं किया था, बट दिस क्लेंजिंग ऑयल इज़ रियली नाइस। नेक्स्ट अप आई हैव सीरम्स, वैसे तो बहुत सारे सीरम्स यहाँ पर रखे थे नीचे,
काफ़ी सारे हाफ भरे हुए थे, काफ़ी सारे थोड़े बहुत यूज़ कर रहे हुए थे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास प्रमोशंस के लिए भी आते हैं तो काफ़ी बार टेस्ट करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, कुछ और नया आता है वो ट्राई करने लग जाती हूँ. बट दीज टू सीरम्स आर श्योर शॉर्ट फिनिश, इनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है. नंबर वन इज प्लम का मैंडरिन एंड विटामिन सी 15% सीरम. यू गाइस नो आई लव 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 दिस सीरम. इसकी तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, इसका पूरा एक ब्रांड कोलैबोरेशन में वो वीडियो थी, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था. आई हैव अ कोड विद प्लम एज वेल. प्लम की वेबसाइट पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे कशिका 15, यू कैन गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ. वेरी वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा सीरम है. एक्ने मार्क्स हो या फिर थोड़ा सा पिगमेंटेशन को लाइटन अप करना हो या फिर वैसे भी समर्स में एक अच्छा विटामिन सी सीरम अगर आप ढूंढ रहे हो स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, ये बहुत अच्छा है. बिकॉज ये बिल्कुल पानी जैसा है तो ये ग्रीसी फील नहीं होता, ऑयली फील नहीं होता. ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा सीरम है, डेफिनेटली येस. सेकेंड सीरम इज बाय मिनिमलिस्ट. दिस इज द अल्फा आर्बिटिन 2% फेस सीरम. ये तो मैं काफ़ी बार फीचर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, मैंने एमटीज में भी पहले दिखाई हुई है, अपने रिकमेंडेशन में भी बताया हुआ है, अपने एक्ने स्किन फेवरेट वीडियो में भी मैंने इसको लास्ट ईयर फीचर किया था. दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस सीरम. इसके अंदर अल्फा आर्बिटिन है, फेरुलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है. ये स्पेसिफिकली रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को. अल्फा आर्बिटिन का काम यही होता है लाइटन अप करना आपकी स्किन को, लाइक जो भी डार्कनेस होगी पिगमेंटेशन होगी उसको कम करने की कोशिश करता है. और काफ़ी बार इसका टेम्पररी इफेक्ट भी होता है, लाइक इसको लगा के आप देखोगे आपकी स्किन हल्की सी गोरी हो रही है, विच आई नो आई एम नॉट सपोर्टिंग फेयर स्किन, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अल्फा आर्बिटिन का काम ही यही होता है. काफ़ी सारी लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग क्रीम्स में भी अल्फा आर्बिटिन डला होता है, बट मैं जो वो यूज़ करती थी, मैं पिगमेंटेशन और एक्ने मास्क के लिए यूज़ करती थी. मैंने शादी से पहले जब मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही थी बिफोर द डर्मैट रूटीन, मैं यही यूज़ करती थी, सूटेड मी रियली वेल. और अगर आपकी भी शादी या फिर आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि आपकी स्किन ब्राइटर हो जाए, जो भी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स है वो कम हो जाए, ट्राई दिस वन, दिस विल शो यू really nice visible results. Next up is a moisturizer. This is the Dermaco Squalane and Zinc Oil Free Moisturizer. This is for normal to oily skin. ये भी आप देख सकते हो मैंने पूरा निचोड़ रखा है. This is Squalane Zinc Day and Night. आप इसको कभी भी लगा सकते हो. So as the name says, oil free moisturizer. ये काफ़ी अच्छा है for oily skin. ये मैंने बहुत पहले finish किया था. I don't know why I still have this. कि मैंने I think last to last year ही finish किया था. Very very nice. ये मैंने promote भी किया हुआ किसी video में. अगर आपकी oily acne prone skin है, आप एक अच्छा nourishing moisturizer देख रहे हो जो आपकी स्किन को ग्रीसी भी ना बनाए लेकिन उसको नरिशमेंट भी दे, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज द प्लम बॉडी मिस्ट इन द रेंज हवाइन रूम्बा. सो ये वाली जो पैकेजिंग है ना, ये इनकी ट्रायल वाली पैकेजिंग है. इनके बॉडी मिस्ट फुल साइज वाले आते हैं, लेकिन ये उसका मिनीएचर वर्जन है जो आपको इनके मिनी वाले पैकेजिंग में मिल जाएगा. आपको इनका एक मिनी इसका सेट लेना होगा, उसमें आपको वाले बॉडी मिस्ट मिलते हैं. मुझे इसका हवाइन रूम्बा बहुत अच्छा लगता है, सो मैं इसको अपने बैग में रखती थी. अभी जो आपको इसमें दिख रहा है ना, वो कोई और बॉडी मिस्ट है, वो एक परफ्यूम था, उसका ऊपर का स्प्रे खराब हो गया था तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया था. लेकिन जो ओरिजिनल हवाइन रूम्बा वो फिनिश हो गया है. I love this. I think this is very, very nice. And with this, my product empties haul hashtag Mica edition is over. I should keep this in title as well. Mica ke product empties, hai na? Aise bolna chahiye mujhe, which sounds very funny. But yeah, Mica bhi bol raha. This is my home. I should call it my home. So yeah, in sabke links aapko niche description box mein mil jayenge. I think is baar kuch bhi aisa nahi tha jo disappointing tha. Kuch tha, yeah. Snail Mucin, iska link nahi dene wali. Because jo mujhe nahi pasand, main uska link nahi dene wali. Otherwise, sabke links aapko niche description box mein mil jayenge. Do check the description box. And yeah, I'll see you next time. Bye-bye.